जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। लाल किला ग्राउंड में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी लवकुश रामलीला के मंच पर फिल्म एक्ट्रेस अमिता बनेगी रावण की पटरानी तथा आपके ये नेता नजर आएंगे अंगद के किरदार में। लाल किला ग्राउंड में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी लवकुश रामलीला के मंच पर फिल्म एक्ट्रेस अमिता नागिया महाबली रावण की पटरानी मंदोदरी के किरदार में और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश गोयल राम भक्त अंगद की भूमिका करते नजर आएंगे। लाल किला स्थल पर कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल जी के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। इस अवसर पर अर्जुन कुमार ने एक्ट्रेस अमिता नागिया के साथ एक्टर मोहित त्यागी के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ब्रजेश गोयल को मीडिया से रूबरू कराया। लवकुश लीला के चेयरमैन पवन गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि इस वर्ष करीब 12 टीवी चैनलों के साथ देश विदेश के अनेकों यूट्यूब चैनलों पर 26 सितंबर से शुरू हो रही लीला का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पहले दिन ही लीला में बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर असरानी नारद का किरदार निभाएंगे तो इसी दिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के 5 और कलाकार मंच पर अलग अलग भूमिकाओं में नजर आएंगे। आगे देखें हमारे मुख्य संपादक के साथ बातचीत में और क्या कहा लीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं भी मौजूद हूं लाल किला पे जहां पे लवकुश का रामलीला होना है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। अभी आइए जानते हैं क्या क्या तैयारियां हो चुकी है सर रामलीला को लेकर। जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान पर 26 सितंबर से लेकर और 6 अक्टूबर तक इस बार लीला होगी। 5 अक्टूबर का दशहरा पर्व होगा और रामलीला में इस बार बहुत कुछ नयापन है। हमारी थीम है राम लला के मंदिर के अंदर राम की लीला। हमने अपना जो मंच बनाया है वो है 180x60 फीट का। उसके ऊपर 70 फुट ऊंचा राम लला का मंदिर होगा और उसी राम लला के मंदिर के अंदर राम की लीला होगी। जो अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है प्रभु राम का, वही थीम जो है इस बार लवकुश रामला कमेटी ने रखी है। इसके साथ साथ 250 के करीब हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, 22 के करीब जो हमारे फिल्म स्टार हैं और 3 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री इस बार लवकुश रामला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। और बॉलीवुड से जो काम करने वाले हैं मुंबई से ही, बहुत ही सुंदर ड्रेसेस बनाई गई हैं सभी आर्टिस्टों की, ज्वेलरी बहुत अच्छी बनाई गई है, मेकअप बहुत अच्छा रखा गया है और इन सब चीज़ों के साथ रामलीला के अंदर नई चीज़ें, ये कोशिश की गई है कि एक नयापन जो है रामलीला के अंदर लगे और प्रभु राम की लीला ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो देखें। सर, किन किन कलाकारों को इस बार रामलीला में मौका दिया गया? देखिए, राम के लिए राघव तिवारी, सीता के लिए देवलीना चटर्जी, रावण के लिए अखिलेंद्र मिश्र, मंदोदरी के लिए है अमिता नागिया, लक्ष्मण के लिए अरुण मंडोला, हनुमान जी के लिए है निर्भय वधवा। तो बहुत अच्छे मजे हुए वो कलाकार हैं जिन्होंने सीरियल्स के अंदर राम का, सीता का, हनुमान का, लक्ष्मण का रोल किया है, वही कलाकार हमने रखे हैं और वही कलाकार जो है लवकुश रामला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे। सर, किसी राजनेताओं को भी इस बार सर लीला करते हुए लोग देखेंगे? देखिए, अश्विनी चौबे जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं वो वशिष्ठ के रूप में, माननीय फगन सिंह कुलस्ते जो स्टील एंड माइंस मिनिस्टर हैं अगस्त मुनि के रूप में, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ये 3 केंद्रीय मंत्री जो हैं लीला स्थल के ऊपर इस बार अभिनय करेंगे। जो बच्चे रामलीला देख नहीं पा रहे उनके लिए सर क्या करने वाले हैं जो बच्चे? देखिए, जो बच्चे रामलीला नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए लवकुश रामला कमेटी लाइव जाएगी, फेसबुक से भी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी लिंक होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी होगा और इसके अलावा भी रामलीला कई चैनल से लाइव जा रही है। आप देश विदेश के अंदर कहीं भी बैठ के चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो लवकुश रामला कमेटी को लाइव देख सकते हैं। अमृत महोत्सव का काल मनाया जा रहा है तो ऐसा कुछ इसमें भी दिखेगा? निश्चित रूप से इसी 17 तारीख के बाद आपको ग्राउंड के अंदर 75 तिरंगे झंडे आपको फहराते हुए दिखाई देंगे और अमृत महोत्सव जो है हम हर रोज तिरंगा झंडा फहरा कर यहाँ पर खुशी के साथ जो है लवकुश रामलीला प्रारंभ करेंगे।
से हमारे साथ बात कर रहे थे लीला के प्रधान अर्जुन कुमार जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।